दिग्रस के पंचायत समिति कार्यालय में पालतू जानवरों के साथ ही अब मुर्गियों ने भी अपना डेरा जमा लिया है। पंचायत समिति के प्रांगण में जारी मुर्गी पालन पर पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। यूं तो दिग्रस पंचायत समिति कार्यालय का प्रांगण पालतू जानवरों को काफी पसंद आता है। यहां रोजाना गाय, बैल और बछड़े आदि पालतू जानवर आराम फरमाते नजर आते हैं। लेकिन अब पालतू जानवरों के साथ ही इस प्रांगण में मुर्गे मुर्गियों ने भी अपनी पैठ जमा ली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पंचायत समिति का प्रांगण धीरे धीरे प्राणी संग्रहालय बनता जा रहा है। सूत्रों की माने तो पंचायत समिति में मुर्गी पालन का शौक रखने वाले कुछ प्रयोगशील कर्मचारी हैं, जो अपनी नौकरी के साथ तो पता नहीं लेकिन अपने शौक और मुर्गी प्रेम के साथ पूरा न्याय कर रहे हैं। इधर नौकरी भी चल रही है और उधर मुर्गियां भी पल रही है। आम के आम गुठलियों के दाम वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है। सूत्रों ने बताया कि पंचायत समिति में मुर्गियाँ पालने वाले कर्मचारी कार्यालय के आसपास ही रहते हैं। सुबह तैयार होकर मुर्गियाँ लेकर वो कार्यालय पहुँचते हैं और शाम को कार्यालय से छुट्टी होते ही अपनी मुर्गियों के साथ घर लौटते हैं। अब सवाल ये है कि कोई एक कर्मचारी मुर्गियां पाल रहा है या फिर पार्टनरशिप में ये कारोबार चल रहा है, इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। बहरहाल मुर्गियां पालना गलत बात नहीं, लेकिन कार्यालय परिसर में मुर्गी पालन करना अनुचित है, जिसकी भनक होते हुए भी वरिष्ठ अधिकारी चुप्पी साधे हुए है। शायद वे भी पशु प्रेमी हो। बहरहाल पंचायत समिति कार्यालय के आंगन में मुर्गियां, गाय, बैल, भेड़, बकरियां यहां आते ही रहेगी, क्योंकि यहां का सरकारी वातावरण ही कुछ ऐसा है जो एक बार आता है उसका तबादला नहीं होता, वो सालों साल यहीं रहता है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।